सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। लिपस्टिक लगा लिया है, लिपस्टिक इसलिए लगाए क्योंकि मैं अभी घर साफ सफाई करने वाली हूँ एंड यूट्यूब बनाना था। तो बाकी तो कुछ नहीं किया, मुँह में कुछ नहीं किया, नहा लिया है क्योंकि अद्विक को सुलाया था मैंने थोड़ा देर के लिए। सोने वाला बच्चा का हाला देखो यहाँ पे, अदू एडू दिखाती हूँ, बड़ा खोया हुआ है, ऐसे सोता है दो हाँ खोल के। मेरा ना 2 दिन हो गया था, जैसे मैं इसको मतलब सुला के काम करती हूँ एंड मेरा जब नहाने का टाइम होता है ये उठ जाता है। तो मैंने आज क्या किया, उल्टा कर दिया, इसको सुला के मैं नहाने चली गई ताकि मैं आराम से नहा पाऊँ। नहा लिया, नहा के जस्ट निकली, उठा हुआ था तो लकीली नहा लिया। अब मैं घर साफ सफाई करूँगी, फिर बाद में एक बार नहाऊंगी तो उस वो फटाफट वाला नहाना होगा। अभी अच्छे से नहा लिया, तो मैंने सोचा था कि अद्दू सोएगा तो मैं थोड़ा साफ सफाई करूंगी, लेकिन अभी अभी वो उठ गया है तो उसको उठा के ही कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि 2-3 महीने अगर आप घर छोड़ते हो तो सफाई कैसी होती है मेरी। तो दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, बहुत दिन के बाद आई हूँ, बहुत धूल है, शायद दिवाली गया ना इसके लिए, पूरा काला, मतलब हर जगह आप ऐसे टच करो, ऐसे ऐसे आप टच करो तो काला निकलता है। वैसे मैंने ये सब पूरा कॉलिन वॉलिन से साफ़ कर लिया है, तो जितना डस्टिंग वस्टिंग ऊपर है कर लिया। आज मैं करूँगी खिड़की साफ़ एंड फैन साफ़ करूँगी एंड अद्दू का ये छोटा वाला रूम जो टीवी रूम है उसको झाड़ना बाकी है। बाकी 2 बेडरूम तो मैंने साफ़ कर लिया है, टीवी रूम एंड सिटिंग रूम को थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जारी लगा है तो वो सब साफ़ करूँगी। सारा पर्दा धोने के लिए निकाल दिया जैसे कि मैंने सुबह आपको दिखाया था, तपन ड्यूटी के लिए चले गए। और एक मेरा डिसएडवांटेज क्या होता है ना, पहले क्या होता था जब मैं सिंगल थी, जवान थी, तो आज जैसे कि घर साफ़ करना तो सुबह उठ के एक तरफ से घर साफ़ करने के लिए होता था, मम्मी खाना बना के देती थी तो मैं खा लेती थी, उसमें मेरा टाइम नहीं आता था। अभी क्या है कि तपन का ड्यूटी का टाइम ऐसा है 11 बजे तक वो निकल जाते हैं, तो मुझे सुबह उठ के ही चाय, ब्रेकफास्ट, दिन का सब कुछ मुझे 10 साढ़े 10 तक बना लेना होता है, तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर अद्विक को सुलाने के लिए मेरा आधा घंटा चला जाता है, तो मतलब सोच लो कि 12 बजे से ही मैं काम स्टार्ट कर सकती हूँ, उसमें भी अद्दू को लेके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड हम लोग ने ना ये मैट्रेस हटा के गद्दा लगाया था ना, वैसे सोने में तो बहुत आराम है लेकिन ना दिखने में देखो कैसा लग रहा है, पेचक, मतलब अजीब सा हो गया, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बेड सीट नहीं मिल रहा है। मेरा तपन ऐसा है कि उनको अगर बेड सीट फिटिंग नहीं आए तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो मुझे सुबह से बोल रहे हैं कि ये तुमने कर तो लिया लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग सोच रहे कि मैट्रेस वापस डालेंगे, उसके ऊपर गद्दा डालेंगे, उसके बाद सो के देखेंगे, अगर कंफर्टेबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी दिखने का क्या है ना अपना बदन। मेरा ना पूरा ये बॉडी पेन शुरू हो गया था वो गद्दे की वजह से, इसलिए मैंने तेजपुर से बना के मैं लेके आई हूँ। तो देखते हैं दोनों में से कुछ एक हो जाएगा। तो चलिए मेरा साफ़ सफाई स्टार्ट करती हूँ और आपको भी मैं दिखाती हूँ। कुछ मैंने वहाँ पर एक मैटला टांग दिया था क्योंकि यहाँ पर इसको फिटिंग करा के सुलाती हूँ ना, तो उधर का विंडो डायरेक्ट, इसलिए तो वो मेरा नामसाई वाला मैटला। अदो गुड मॉर्निंग वंदे ना, मुन्ना जी लोग आए थे गाड़ी पूजा करने के बाद में, तो उसको टिक्की लगा दिया है ना अंदर। ये टिक्की कौन लाए दे, टिक्की कौन है, दादी अनिके खाइस, पसंद खाइस, खाइस कसे खाइस, कसे खाइस, हाँ दाई दा, नमस्ते गदू गाइस, लाइ नमस्ते एवरीवन, नमस्ते, जय गदू, जय अरे माला माया गदू, ऐसे राम ऐसे फॉरनर जस्त होइन इंडियन जस्तो यहाँ कच गर्दैन सुख के दुबला पतला होके आया है बेचारा, अभी घर के अंदर रहेगा तो थोड़ा शायद फिर से चेंज हो जाएगा। देखो सुख उग गया ना तू, चलो चलो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं।
मैंने यहाँ पे धो लिया है, मतलब पर्दा जो था धो लिया है, ये मैंने हाथ से धोया है। मशीन में थोड़ा सा हाफ ड्राई कर दिया है क्योंकि जल्दी सूख जाएगा, विंटर का धूप इतना तगड़ा नहीं होता। तो इसको लेके जाऊँगी मैं छत में, एंड इसको भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे कोई नहीं है छोड़ने के लिए। चलो अद्दू नंजा, चलो चलो चलो, रखो वो रखो वो रखो, ये तुम्हारा चीज नहीं है, चलो आ जाओ, चलो चलो। सुखा दिए ना, और एक बार आना है, अकेले आना भी मेरा तो हालत खराब होता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो थर्ड फ्लोर तक। अंदर का थोड़ा बहुत काम अभी ख़त्म हो गया है, तो नहाने से पहले मैं सोची थी थोड़ा मतलब प्लांट्स लोग को भी देख लूँ। बहुत दिन हो गया था इन लोग को मतलब अच्छे से मैंने देखा नहीं था, मतलब देखा तो था लेकिन उन लोग को थोड़ा होता है ना वापस से झाड़ वाड़ निकालना, गोबर माटी देना। तो अद्दू भी मेरे साथ साथ यहाँ पर है, वो बहुत इंजॉय करता है माटी खेलना, एंड मैं भी उसको खेलने देती हूँ, हर चीज़ में रोक टोक भी ठीक नहीं होता। वैसे तो बाहर खेलने का टाइम है विंडो का, लेकिन बेल्कनी में ही सही वो थोड़ा बहुत माटी खेल लेता है नहाने से पहले। खाना खिलाऊंगी, खाना खिलाते वक्त इसका ये हाथ में इधर इधर तो लगना ही है, इसलिए थोड़ा देर के लिए पहनाया है ना। तो अभी मैं खिलाने वाली हूँ अद्दू को खिचड़ी। खिचड़ी में ज्यादा गीला नहीं करती, थोड़ा सा टाइट टाइट ही रखती हूँ ताकि हैबिट हो जाए, उसका आदत भी होना पड़ेगा ना। एंड ये मैंने आज पम्पकिन एंड मटर बूट दे के सब्जी बनाया था, वो दिए थोड़ा सा घी दिए, तो ऐसे ही मिक्स करके खिलाऊंगी। सब्जी भी खिलाने का थोड़ा थोड़ा हैबिट करा रही हूँ मैं से। अद्विक टीवी देख के खाना खाता है, एक्चुअली मैंने ही उसको ऐसा हैबिट लगाया, नहीं तो क्या है ना कितना बोले एनर्जी ख़त्म हो जाता है बच्चों को अगर आप बोल बोल के खिलाओ ना। वैसे तो वो हैबिट अच्छा है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करके खिलाओ, लेकिन मतलब मेरे से नहीं हुआ। मैंने एक दो दिन ट्राई किया था तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है अपना, तो मैं उसको टीवी के सामने बिठा के खिलाती हूँ, हाथ से खिलाती हूँ, स्पून से भी खिलाती हूँ। अब एक चावल है मतलब राइस है तो हाथ से खिला रही हूँ, जब सैरले खाता है या ओट्स खाता है तब मैं उसको स्पून से खिलाती हूँ। तो ऐसे बैठ के खा लेता है, ऐसा उनसे मुझे इसके पीछे ज़्यादा दौड़ भाग करना नहीं पड़ता है, तो एक जगह पे खा लेता है। एंड यहाँ अद्दू को खिलाने के बाद मैंने उसे सुला दिया, वो सो गया, मैंने भी खाना खा लिया। एंड मैं छत में जाके, क्योंकि वो सो रहा था उसी वक्त, मैं छत में गई, सारा पर्दा लेके आई, यानी अभी मैं लगा रही हूँ। लेकिन ये पर्दा ना मैं जल्दी निकालूंगी क्योंकि आयरन आज टाइम नहीं मिला, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं इसको आयरन करने के लिए फिर एक दिन निकाल लूँगी, मतलब एक दो दिन में ही मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये अभी मैं पर्दा लगा रही हूँ।
यहाँ मेरा कपड़ा भी धुल के एकदम रेडी है, मशीन में मैंने दे दिया था क्योंकि हाथ से ऑलरेडी पर्दा बहुत सारा मैंने धो लिया था। तो ये ना छोटे छोटे कपड़े हैं जो डेली यूज़ के, इसको मैं बेल्कनी में ही नॉर्मली देती हूँ। बड़ा बड़ा बेड शीट हो गया, पर्दा हो गया, ब्लैंकेट अगर धोया, ये सभी मैं छत में जाती हूँ क्योंकि उठना नामना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अकेले अकेले। तो अभी मैं छत में नहीं भी जाऊँगी क्योंकि एक बार मुझे जाना है बाकी कपड़े लेने के लिए। एंड मैंने जैसे स्टार्टिंग में अपना वीडियो एकदम लिपस्टिक लगा के किया था, अब आप मुझे लास्ट में देखोगे तो पूरा काम वाली बाई में दिखूंगी, मेरा लुक्स काम वाली बाई वाला हो जाएगा। ऐसे ही होता है, जो उसमें स्टार्ट करते तो अच्छे से तो लास्ट तक ऐसा हो जाता है, यही है लाइफ मेरा। अभी हाउसवाइफ हूँ तो मैं अपना काम इंजॉय करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए ही सिर्फ करती हूँ या फोर्सफुली करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंजॉय करती हूँ सच में अपना काम करना, घर का काम मुझे अच्छा लगता है करना, कोई भी काम करो तो मुझे लगता है अच्छे से करना चाहिए। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ख़त्म करने के लिए मैं एक्चुअली बाहर आई हूँ। अद्दू सो रहा है तो मैंने पर्दा वर्दा लगा दिया, कपड़ा उपड़ा सुखा दिया है। एंड आज बहुत सारा काम नहीं हो पाया, सोचा था फ़ैन वैन साफ़ करूँगी, थोड़ा ग्रिल व्रिल साफ़ करूँगी, वो दो नहीं हो पाया। तो अभी मैं नहाऊँगी क्योंकि शाम होने वाली है, धूप जा रही है, देखो शाम मतलब धूप ढलने वाला है। एंड ज़्यादा शाम को नहाने से फिर मेरा तबीयत खराब हो गया तो अद्दू को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, अपना वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। नहाऊँगी, स्पेशल एक कप चाय बना के पीऊँगी, फिर देखती हूँ अगर तपन जल्दी आ गए तो थोड़ा निकल के जाने का काम ही निकल के जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो रेस्ट करूँगी, कल करूँगी, बाकी का काम आराम से करूँगी अपने ही घर, कौन सा बड़ी बात है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बहुत लोग तो व्यू कर लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।